when there were 150,000 troops, NATO troops in Afghanistan, the greatest military machine, that was the time to ask the Taliban to come on the table. Why were the Taliban going to compromise when the exit date was given? And there were only a few thousand American troops left. Why would they listen to us when they are sensing victory? जब अमेरिका अफगानिस्तान में था तब तालिबान से बात क्यों ना की, अब जीत सामने देखकर वो क्यों सुनेंगे? वजीर आजम का सवाल, कासा कॉन्फ्रेंस में बोले, अफगानिस्तान में आम तरजीह, पाकिस्तान पर इल्जाम से दुख होता है, पाकिस्तान मजीद मुहाजिरीन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफगान नायब सदर के इल्जाम मुस्तरद, पाकिस्तान ने अपने इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज आबादी के तहफ्फुज़ के लिए इकदाम उठाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ऐसे बयान पाकिस्तान की अफगान अम के लिए मुखलिसाना कोशिशों पर मनफी असर डालते हैं। अफगानिस्तान में आम के लिए वजीर आजम की कोशिशें जारी हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ताशकंद कॉन्फ्रेंस में 60 से ज्यादा मुमालिक शरीक हैं, मकसद इलाकाई तआवुन को बढ़ाना है, ताशकंद से गवादर ट्रेन सर्विस शुरू करना चाहते हैं। हम मजहबी रवायात को मद्देनजर रखते हुए आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे, अपनी जमीन किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तर्जुमान अफगान तालिबान सुहेल शाहीन का ट्वीट, बरतानिया के वजीर दिफा का बयान खुशाइन करार दे दिया। वजीर आजम का चीनी हम मनसब को टेलीफोन, धासू हादसे में चीनी शहरियों की मौत पर इजहार अफसोस, तहकीकात के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाने की यकीन दहानी। इमरान खान कहते हैं चीनी शहरियों की सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कोरोना की शिद्दत फिर बढ़ गई, 24 घंटों में 2327 नए केस सामने आ गए, मुस्बत केसेस की शरह 6.1 तक जा पहुंची, वायरस मजीद 31 जिंदगियां निकल गया। सिंध में पहली से आठवीं क्लास तक स्कूल्स आज से बंद, बोर्ड्स पेपर शेड्यूल के मुताबिक होंगे, सिनेमा पास को ताले लग गए, साहिल समंदर और तफरी मकामात पर जाने पर पाबंदी होगी। हुकूमत ने महंगाई की आग पर तेल छिड़क दिया, पेट्रोल की कीमत में 5.40 रुपए फी लीटर इजाफा, डीजल 2.54 रुपए महंगा, मिट्टी के तेल के दाम 1.39 रुपए बढ़ा दिए गए। एलपीजी भी सस्ती न रही, कीमत में 5 रुपए इजाफा, दाम 160 रुपए फी किलो हो गए, घरेलू सिलेंडर की कीमत में 7 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर के नर्ख 225 रुपए बढ़ गए। बल्दियाती इदारे बहाल न करने से मुतालिक हुकूमती जवाब मुस्तरद, लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब सेक्रेटरी बल्दियात को 19 जुलाई को तलब कर दिया। मानसून सीजन आ गया, कराची में निकासी आपके मसले हल ना हो सके, जगह जगह कचरे के ढेर भी मौजूद, गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से मुबैना तौर पर करंट लगने से नौजवान की जान चली गई, राहिल की मौत के 2 घंटे बाद उसके बेटे ने जन्म लिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, काबिज फोर्सेस का श्रीनगर में मकान पर केमिकल बम हमला, 2 कश्मीरी शहीद हो गए। मस्जिदुल हराम में आज से नमाज की इजाजत नामों का इजरा बंद कर दिया गया, हज का इजाजतनामा रखने वालों को ही दाखिले की इजाजत होगी, मनासी के हज की अदायगी हफ्ते की रात से शुरू होंगे। कोरोना के बढ़ते केस, अबू धाबी में जुज़वी लॉकडाउन लगाने का फैसला, इतलाक 19 जुलाई से होगा। कतर का पाकिस्तानी शहरियों को आमद पर वीजे देने का ऐलान, कोरोना मनफी रिपोर्ट साथ लानी होगी,
बच्चों के लिए पोलियो वैक्सीन की शर्त भी आए, वापसी का टिकट और होटल की बुकिंग भी जरूरी होगी। ईद उल अजहा का काउंटडाउन, वक्त कम मुकाबला सख्त, पसंद का जानवर लेने के लिए मंडियों में भाव ताव, खरीदारों का कीमतें ज्यादा होने और व्यापारियों का माल ना बिकने का शिकवा। दुम्बा लिया या गाय या फिर कुर्बान करेंगे बकरा, बैल हो या ऊंट, कुर्बानी के जानवर के साथ एहतियात के साथ सेल्फी बनाएं और हमें भेजें, नंबर आपकी स्क्रीन पर।